दोस्तों, शहद के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि शहद और गर्म पानी पीने के बहुत फायदे होते हैं, जिसके बारे में आज इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको बस कुछ प्राकृतिक शहद और पानी की आवश्यकता है। बेहतर परिणाम के लिए आप बिल्कुल प्राकृतिक शहद का उपयोग करें। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर उसका मिश्रण तैयार कर लें। पानी में शहद मिलाने से एक मिश्रित यौगिक बनता है जो चिकित्सक गुणों से भरपूर होता है। शरीर इस मिश्रण को आसानी से अपना लेता है। दोस्तों, आप गर्म पानी का उपयोग हर सुबह खाली पेट करें। आजकल लोग अपने खाने पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पाते हैं, कुछ भी तला या मसालेदार वाला जंक फूड खा लेते हैं। खान पान सही ना होने और नियमित रूप से व्यायाम ना करने से वजन बढ़ने लगता है। समय रहते मोटापे पर ध्यान ना देने से कई परेशानियां आपको घेर सकती हैं। इसीलिए शहद और गर्म पानी के लाभ में सबसे पहले वजन कम करना जरूरी है। दोस्तों, हर वक्त बाहर का खाना, सही पोषक तत्व ना लेना और सही ढंग से खुद का ध्यान ना रखने से हमारे शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। ऐसे में शहद और गर्म पानी में नींबू मिला देने से ये एक डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है। यह मिश्रण आपके यूरिनेशन को बढ़ा देता है। इससे आपके शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और आपका शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। शहद आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। जब आप सुबह इसका सेवन करते हैं तो ये आपके पेट को आराम देता है। लोग अक्सर शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से आपके शरीर में गजब की ऊर्जा आती है। गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है। शहद में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट वैसे भी ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपके शरीर से सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाए, तो ऐसे में गर्म पानी में आपको बस एक खास चीज मिलानी है, और वो खास चीज है कोई और चीज नहीं बल्कि शहद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।